ये रास्ता है औरंगी टाउन गुलशन बिहार। गुलशन बिहार साफ़ सुथरा रोड है, पहले किसी दौर में कच्चा हुआ करता था, अब तो बहुत अच्छा और साफ़ सुथरा रोड बनाया हुआ है। ये औरंगी टाउन का सीधा सीधा आप चलते चले आएंगे। आजकल तो मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है, अगर आप जाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। ना गर्मी है ना ज़्यादा धूप है, मौसम बहुत अच्छा। ये नादरन बाईपास पहुँच गए आप। औरंगी टाउन से एक रास्ता सीधा जा रहा है, शॉर्टकट है नादरन बाईपास। नादरन बाईपास पे आप बाइक पे जाना चाहते हैं बाइक पे चले जाएँ, गाड़ी में चलना चाहें गाड़ी में चले जाएँ, लेकिन एक मज़ा बहुत है। रास्ता एडवेंचर है, ये पहाड़ पहाड़ से कटते हुए आप सीधे सीधे जाएँ। ये हमारे दोस्त हैं मिराज भाई, हमें लेके जा रहे हैं मुझे, कि मुझे रास्ता नहीं पता था। ये मेरे दोस्त हैं कुली के, मिराज भाई और इनके दोस्त। ये थोड़ा सा रास्ता समझे कच्चे का है, मुश्किल से मेन नादरन बाईपास से ये कट पड़ता है, मुश्किल से 10 या 20 मिनट का रास्ता है, कच्चा है, थोड़ा सा मिट्टी है, लेकिन यह कि सुकून है, आप आराम से चलें, कोई डर और कोई खौफ नहीं, ना कोई लूटने का चक्कर है, ना कोई सुकून है, आप आराम से जाएं। दिन के दरबार जा रहे हैं, हिफाजत से बुला लेते हैं अपने दरबार में, आपको दूर से ही आलम नज़र आ जाएगा, बाबा चरगजी से सरकार का वो है आलम नज़र आएगा आपको दूर से ही। और ये आपका मज़ार का मेन दरवाज़ा है, जहाँ पे लोग बड़ी तादाद में हाज़िरी देते हैं जुमरात को, आराम दिनों में यहाँ बड़ा रश होता है। सैयद हुसैन शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अल मारूफ चिलगैज़ी बाबा, ये आप जब गेट से दाखिल होंगे तो उसके बाद ये राहदारी एक छोटी सी, इस राहदारी से गुज़रते हुए आप जब पहुँचेंगे तो आपका मेन लहद मुबारक आपको नज़र आ जाएगी। और ये लहद मुबारक माशाल्लाह से 40 फीट लंबी कब्र है माशाल्लाह से आपकी। यहाँ आएंगे आपको एक अलग ही सुकून और चैन मिलेगा, रूहानी माहौल है माशाल्लाह से, बहुत सुकून है। और आपकी जो कब्र मुबारक है 40 फीट लंबी कब्र मुबारक है आपकी सैयद हुसैन शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह। और आपका जो पर्दा फरमाने की है, जो खुद पे तारीख लिखी है, वो सन 700 हिजरी की लिखी है। 700 हिजरी में आप, सन 700 हिजरी में आपने दुनिया से पर्दा फरमाया था। 40 फीट लंबी कब्र है आप माशाल्लाह से, बड़ी तादाद में लोग यहाँ फातिहा दुरूद सलाम के लिए आते हैं। यहाँ ये आलम शरीफ है, यहाँ पर जंगल में एक समले, चारों तरफ जंगल है, बीच में आपका रोज़ा मुबारक है, हरियाली है यहाँ पे, एक सुकून है आपको। बहुत सुकून मिलेगा आपको यहाँ पे। यहाँ चारों तरफ दरख्त ही दरख्त है, जंगल के बीच में आपको मज़ार दिखेगा। आपकी जो कब्र है, कब्र मुबारक 40 फीट लंबी कब्र है। यहाँ जब मैं आया जी, हाँ बहुत लोग दिखे, बहुत लोगों से मेरी मुलाकात हुई यहाँ पे। रास्ता मैं आपको समझा चुका हूँ पहले शुरू में वीडियो में, यहाँ बहुत फैमिली आई हुई थी जब मैं यहाँ पहुँचा। बहुत सारे परिंदे हैं, मोर हैं, मुर्गियाँ हैं, कबूतर हैं, सब आज़ाद यहाँ घूम रहे होते, सबको आज़ाद रखा। जब मैं आया यहाँ पे मज़ार पे हाज़िरी दी तो एक ये देखिए मोर सुकून से मानूस है। यहाँ जो ज़ायरीन आते हैं उनके लिए बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया गया है, लंगर खाना भी मौजूद है,
और मुसाफिर खाना भी मौजूद है, साथ ही मस्जिद भी है जहाँ जो नमाजी नमाज़ पढ़ना चाहते हैं वो नमाज़ भी पढ़ सकते हैं। यहाँ एक सज्जादा नशीन हाईवे बनेर से सवार से अहमद अली शाह तरमीज़ी वो कैसे मज़ार पर पहुँचे, आइए मैं उनकी ज़बानी आपको सुनवाता हूँ। ये मस्जिद है वहाँ पे जो मस्जिद कायम की गई, बड़ी अच्छी मस्जिद है, खूबसूरत मस्जिद है। मेरा नाम सैयद अहमद अली शाह तरमीज़ी कादरी चिश्ती और मैं स्वात बुनेर शरीफ के जो पीर बाबा हैं सैयद अली शाह तरमीज़ी अलमारूफ पीर बाबा उनका पोता हूँ और हमें सैयद हुसैन शाह बुखारी अलमारूफ चल गज़ई बाबा के दर का पता चला और उनके दर पे हम हाजिरी लगाने आए और ये तीसरी दफ़ा जो है हम चल गज़ई बाबा पे हाजिरी लगाने आ रहे हैं और माशाल्लाह चल गज़ई बाबा हमारे जो है सैयद हुसैन शाह बुखारी सरकार हैं और 700 हिजरी मैं इनका पर्दा हुआ और माशाल्लाह यहाँ पर बड़ी रूहानियत है, नूरानियत है, जमालियत है, जलालियत है और कई लोग जो है माशाल्लाह यहाँ पर आते हैं और फैज़याब होते हैं क्योंकि आप लोगों को इलम है कि हमारा घर होता है वलियों का दर होता है। हमारे घर में बग़ैर इजाज़त का कोई आ नहीं सकता है, इनके दर पे जब तक ये बुलाए नहीं कोई आ नहीं सकता, तो जिसकी वजह से हम बहुत खुश नसीब हैं और हमारे ये जो भाई हैं हमारे साथ जितने भी हैं ये सब भी खुश नसीब हैं कि हमें सरकार ने अपने दर पे हाज़िरी के लिए बुलाया और यहाँ से हम पहले भी आए हैं, फैज़याब हुए हैं और हमारे जो भी मसले थे, जो जायज़ तमन्ना आरज़ू थे हमारे ख़ुद के और हमारे भाइयों के, बंदों के और मुरीदों की तरह की इज़्ज़त माने इन सब के, अल्लाह पाक ने उनका इनके वसीले से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुरादें पूरी की। तो अर्ज़ ये है कि माशाल्लाह कि इन्होंने ऐसे काम किए कि आज इनके यहाँ पर दुनिया आती, हालांकि इस दुनिया के अंदर हमारे माँ बाप से हमारा बहुत बड़ा रिश्ता होता है, वहाँ पर भी हम जाते हैं लेकिन वहाँ पर भी जो सुकून मिलता है इसी तरीके से सुकून हमें इन मज़ारों पे मिलता है और रूहानी खुशी होती है। और यहाँ पे जब आते हैं जो भी लंगर वगैरह या जो भी इंतज़ाम करते हैं ये सारे हमारे भाई हमारे साथ मिल के जो है ताउन करके जो भी होता है अल्लाह रसूल की रज़ा के लिए, तो लंगर जो होता है जो इंतज़ाम होता है वो हम यहाँ पर करते हैं। तो अल्लाह पाक जो है ना अपने प्यारे महबूब के वसीले से हम सबको जो है जितने भी हमारे साथी हैं जिन्होंने जानी माली जो तकालीफ़ किए हैं जो हमारे साथ यहाँ पर आए हैं और इस महफिल को सजाने में इन लोगों ने जो कोशिशें की हैं अल्लाह पाक अपने प्यारे महबूब के वसीले से और अपने प्यारों के वसीले से और बाबा चल गज़ई बाबा के वसीले से इन सब के नेक अरमान तमन्ना अर्जू पूरा करे। और ये जो हमारे भाई हैं टीवी एंकर वगैरह और इनकी ये मेहनत है और ये बहुत अच्छी बात है और मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस दौर में भी अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करने वाले हैं। अल्लाह के वली से मोहब्बत करना तो रब से मोहब्बत करना है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि इन लोगों का ये इश्क है, प्यार है, जिसकी वजह से आज एक जंगल के अंदर ये लोग तशरीफ़ लाए हैं और यहाँ पर जो भी है इन्होंने तकलीफ़ उठाई, अल्लाह पाक इनको भी अपने प्यारे महबूब के वसीले से इनको अजर अता फरमाए और हम सबको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है सैयद हुसैन शाह बुखारी चल गज़ई बाबा से फैज़याब अता फरमाए। اللهم آمين يا رب العالمين।
जो है माशाल्लाह।